Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Hindi College, University of Allahabad. And in the series of discussing many issues over inclusive education, this time I am going to discuss PWD Act 1995 on integrated education or persons with disabilities. Okay, the lecture will be in bilingual mode and must be useful for your various teaching examinations as well as for your regular BA, MA and professional BA, MA courses. So first of all, what is the background of PWD Act? The PWD, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act. मतलब PWD का जो PWD वैसे persons with disability है या people with disability है, ये क्या है? Equal opportunity मिले, सबको समान अवसर मिले, protection of rights, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए और वो full participation कर पाएं, यानी कि पूरी तरीके से प्रतिभागिता कर पाएं. 1995 was enacted to give an effect to the proclamation on the full participation and equality of the people with disabilities in the Asia and Pacific region. मतलब कि ये 1995 में क्यों बना? क्योंकि Asia और Pacific region में काम चल रहा था proclamation on the full participation and equality of the people with disabilities. तो उसको पूरा करने के लिए PWD Act बनाया गया. The proclamation was issued in a meeting of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific region in December 1992 at Beijing. बीजिंग में दिसंबर 1992 में एक मीटिंग हुई इकोनॉमिक और सोशल कमीशन की, जिसमें एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए उसमें एक लॉन्च किया गया एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1993 से 2002. मतलब जो ये मीटिंग दिसंबर 1992 में हुई उसमें ये तय किया गया, लॉन्च किया गया कि अगला दशक जो होगा वो एशियन और पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के लिए इसको बना दिया जाए, ताकि इस दशक में ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्ड पर्सन के लिए काम किया जाए. द एक्ट लिस्टेड 7 कंडीशंस ऑफ डिसेबिलिटीज. तो जो ये एक्ट है उसमें 7 तरीके की जो विसंगतियां हैं उनको लिस्ट किया गया है. कौन कौन सी? ब्लाइंडनेस, है ना, अंधापन या लो विजन, कम दृष्टि दिखाई दे रही है, कम साफ नहीं दिखाई दे रहा है. लेप्रेसी की ओर, लेप्रेसी से ठीक होकर आए हैं वो या उससे ग्रसित हैं. हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में कुछ बाधिता है. लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कुछ चलने फिरने में दिक्कत है. मेंटल रिटार्डनेस, कुछ मानसिक रूप से थोड़ा सा रिटार्ड है या मेंटल इलनेस या कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं. तो ये 7 जो कंडीशंस थी वो इस एक्ट में ली गई. और द एक्ट अडॉप्टेड एन अप्रोच ऑफ सोशल वेलफेयर. और इस एक्ट की जो अप्रोच थी वो सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक जन कल्याण, सामाजिक कल्याण के अप्रोच के तहत ये चला. इन रेस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी पीपल विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड द मेन फोकस वाज ऑन प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज. और इसमें जो मेन फोकस था, जो मुख्य रूप से जिस पर केंद्रित था ये एक्ट, वो क्या था कि हम अर्ली डिटेक्शन कर लें इन डिसेबिलिटीज का, जल्दी से जल्दी हम जांच कर पाए, हम जान पाए कि किसी पर्सन के संग कोई दिक्कत है तो उसको रोक पाएंगे. उनकी शिक्षा की बात की गई और उनके रोजगार की भी बात की गई. इट स्ट्रेस्ड ऑन मेकिंग द बैरियर फ्री सिचुएशन एज अ मेजर ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. और इसने किस पर बल दिया कि हम उनको ऐसी दशाएं दे पाए जो बैरियर फ्री हो, मतलब कोई अवरोध ना आए उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रोजगार में. तभी तो हम कह पाएंगे ना कि आपके संग हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड के संग रहते हैं, मतलब आपको कहीं भी ये ना लगे कि आप अलग हैं तो आपके संग विभेद किया जा रहा है. और क्या है इसका बैकग्राउंड? द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 हैज कम इनटू इन्फोर्समेंट ऑन फरवरी 7, 1996. एक्ट जरूर 1995 का है पर ये लागू 7 फरवरी 1996 को किया गया. दिस लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये, एंड इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डायरेक्शन टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द नेशन बिल्डिंग. यानी कि राष्ट्र के निर्माण में जो इस तरीके के लोग हैं जिनको कोई दिक्कत है, विसंगति है, असंगति है, वो हम ये इंश्योर कर पाएं कि वो समान रूप से उनको अवसर मिले और वो अपना पूरा पार्टिसिपेशन करें राष्ट्र के निर्माण में. ठीक है, ये इसका इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा. The Act provides for both preventive and promotional aspects of rehabilitation. यानी कि हम रोकें भी या तो दिक्कत होने ही ना पाए, और अगर दिक्कत हो गई है तो हम पुनर्विन्यास को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, जैसे उनको एजुकेशन दें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर लें, कुछ उनका शोध कार्य करें उन पे, कुछ हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उनके लिए बना सकें, रिहैबिलिटेशन उनको करें, उनको पुनर्स्थापित करें,
अनएम्प्लॉयमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम्स फॉर पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी एटसेट्रा. तो इतने एरिया हैं जिन पर कि ये फोकस्ड है ये एक्ट. तो कौन कौन से मेन प्रोविजंस हैं इसके, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज, यानी कि जो विसंगति है हम उसको रोक सकें कैसे, जब अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो. फिर उनकी शिक्षा की बात की गई, उनके रोजगार की बात की गई, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम उनके संग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मतलब विभेद नहीं करेंगे. फिर रिसर्च करके देखेंगे कैसे क्या बेहतरी की जा सकती है, कुछ उनके लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे और अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो कहाँ पे अपनी दिक्कत नोट करा सकते हैं, ग्रीवियांस रिड्रेसल की भी बात की गई. ठीक है, तो एक एक को लेकर चलते हैं. प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज में क्या कहा गया, कैसे हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे, हम सर्वे करें घर घर जाके, सर्वेज इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च शैल बी कंडक्टेड टू एसर्टेन द कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ डिसेबिलिटीज, जिसे हमें पता चले कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो रही है. वेरियस मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट डिसेबिलिटीज, उस विसंगति को रोकने के लिए अगर कोई संभव उपाय हैं तो वो किए जाएं. स्टाफ एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर शैल बी ट्रेन्ड टू असिस्ट इन दिस वर्क, जो PHC है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस एरिया का है उसमें जो स्टाफ हो उसको इस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाए. All the children shall be screened once in a year for identifying at-risk cases. मतलब कि जितने भी बच्चे हैं उनको कम से कम साल में एक बार उनकी स्क्रीनिंग हो जिससे पता चल सके कोई ऐसा तो नहीं जो रिस्क पे एकदम एट रिस्क स्टेज पे है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकें क्योर कर सकें. अवेयरनेस कैंपेन्स शैल बी लॉन्च एंड स्पॉन्सर्ड टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं का प्रसारण कर सकें. मेजर्स शैल बी टेकन फॉर प्री नेटल पेरी नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, यानी कि गर्भावस्था में जैसे ही स्त्री गर्भवती होती है तो एकदम भ्रूण की जितनी दशाएं हो सकती है सब में उसकी चेकिंग हो, सारे मेजर्स चेक किए जाए कि उस बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो. ठीक है, एजुकेशन के लिए क्या कहा गया कि एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 इयर्स इन इंटीग्रेटेड स्कूल्स और स्पेशल स्कूल्स. वो कह रहे हैं कि अगर आपका इंटीग्रेटेड स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो भी, स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है तो भी, उसके पास राइट है अधिकार है कि 18 वर्ष तक की उसकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था राज्य करे. एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स एंड restructuring of modifications in the examination system shall be ensured for the benefit of children with disabilities. जो भी बालक हैं जिनके संग कोई दिक्कतें हैं उनकी हम appropriate transportation मतलब वो पहुँचेंगे कैसे स्कूल तक, अगर सीढ़ी पड़ती है कुछ ऐसी है तो हम उसको remove करें, architectural barrier ना आए उनके रास्ते में, है ना, ये सब हम अपने जो examination system है उसको modificate करें, restructure करें ताकि इन बच्चों को हम लाभ दे सकें. Children with disabilities shall have the right to free books, स्कॉलरशिप्स, यूनिफॉर्म एंड अदर लर्निंग मटीरियल, इनके पास ये भी राइट है कि आप उनको किताबें दीजिए मुफ्त में, उनको आप स्कॉलरशिप दीजिए, उनको यूनिफॉर्म दीजिए और अदर लर्निंग मटीरियल भी प्रोवाइड कराइए. स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शैल बी इक्विप्ड विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, अगर स्पेशल स्कूल है जहाँ पे सिर्फ विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं तो जरूर 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 वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का फैसिलिटी होना चाहिए ताकि वो कोई ना कोई व्यवसाय अपना सकें. नॉन फॉर्मल एजुकेशन शैल बी प्रमोटेड, NFE इनके लिए प्रमोट करना चाहिए कि आप फॉर्मल एजुकेशन से नहीं पढ़ सकते तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से आप साक्षर हो जाएं. टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शैल बी एस्टैब्लिश टू डेवलप रिक्विजिट मैन पावर, जितने भी आपके टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चलते हैं उनको इस तरह से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो जो रिक्विजिट जो जरूरी मैन पावर है उसको डेवलप करें. जरूरी मैन पावर मतलब इस तरीके के बच्चों को पढ़ाने लायक शिक्षक. पेरेंट्स मे मूव टू अप्रोप्रिएट फोरा फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जो पेरेंट है वो कहीं जा सकता है शिकायत दर्ज करा सकता है अगर उनके बच्चे कोई दिक्कत है और उनको एडमिशन में या प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही है तो. एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बात की गई कि 3% ऑफ वैकेंसीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट शैल बी रिजर्व फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, कि जो भी किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित व्यक्ति है उसके लिए 3% आरक्षण रखा जाएगा सरकारी नौकरियों में, 1% ईच फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो जो 3 है तो 1% ब्लाइंड के लिए, 1% हियरिंग इम्पेयर के लिए और 1% लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए. ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जाएं जैसे द ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रेन किया जाए, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, जो अपर एज है उसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, उनके हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के लिए काम करिए, है ना, इन्वायरमेंट पे आपको मतलब उस तरीके की दशाएं हो जहाँ पे ये काम कर सकें. और जो भी इंस्टीट्यूशन जिन भी इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है उनको कम से कम 3% सीट इस तरीके के PWD एक्ट के तहत रखनी होगी आरक्षित करके. नो एम्प्लॉय कैन बी सैक्ड और डिमोटेड, किसी को भी आप डिमोट नहीं कर सकते हैं अगर सर्विस के दौरान उसके संग कोई दिक्कत हो जाती है तो.
नो प्रमोशन कैन बी डिनाइड बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट की वजह से आप उसका कोई प्रमोशन डिनाई नहीं कर सकते हैं. ये सारे नियम कानून इसमें लिखे हैं. फिर एफर्मेटिव एक्शन क्या लें, पॉजिटिव एक्शन क्या लें इसके लिए, कि एड्स एंड अप्लायंसेज उनको सहायता दीजिए, अलॉटमेंट ऑफ लैंड उनको आप थोड़ा सस्ता ज़मीन दे दीजिए अगर वो अपने लिए घर बनाना चाह रहे हैं या व्यापार के लिए या कुछ स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर बनाना चाहते हैं या स्पेशल स्कूल्स खोलना चाहते हैं या रिसर्च स्कूल्स खोलना चाहते हैं या फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी के लिए, तो आप उनको कंसेशनल रेट पे अलॉट करा सकते हैं लैंड. इस तरीके की पॉजिटिव एक्शन उनके लिए लिए जा सकते हैं. फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कैसे उनको लगे कि उनके लिए उनके संग विभेद नहीं किया जाता है. जो भी पब्लिक बिल्डिंग हो, रेल के कंपार्टमेंट हो, बस हो, जहाज हो, एयरक्राफ्ट हो, इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो डिसेबल्ड पीपल की पहुंच वहां तक इजीली हो जाए. इन ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड इन वेटिंग रूम्स, जितने भी पब्लिक प्लेस हैं और जो वेटिंग रूम होते हैं वहाँ पे टॉयलेट शैल बी व्हील चेयर एक्सेसिबल, ऐसे टॉयलेट हों जहाँ से व्हील चेयर तक जिसकी पहुँच हो. ब्रेल एंड साउंड सिंबल्स आर ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड इन लिफ्ट्स, जो लिफ्ट है उसमें ब्रेल लिपि में भी लिखा हो, साउंड का भी सिंबल होता कि वो भी व्यक्ति उसको डील कर सके. ऑल दी प्लेसेज ऑफ पब्लिक यूटिलिटी शैल बी मेड बैरियर फ्री बाई प्रोवाइडिंग रैम्प, आप रैम्प बना दीजिए ताकि व्हील चेयर ईजिली उतर जाए, है ना. तो इस तरह से उनको लगेगा कि उनके संग विभेद नहीं किया जा रहा. अगर रैम्प है ही नहीं, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, तो व्हील चेयर कैसे उतरेगी ना, नहीं उतर पाएगी. फिर रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, क्या आप इसमें शोध को बढ़ावा दे सकते हैं. रिसर्च इन दी फॉलोइंग एरियाज शैल बी स्पॉन्सर्ड एंड प्रमोटेड, अगर इस एरिया में रिसर्च की जा रही है तो उसको स्पॉन्सर करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए. क्या, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, आप कैसे रोकेंगे डिसेबिलिटी को. रिहेबिलिटेशन के लिए अगर रिसर्च हो रही है. डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेज, आप कुछ ऐसी डिवाइस बनाइए जो उनकी सहायता कर सके, उनकी जॉब उनके लिए खोजिए. ऑन साइट मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, इन एरिया पे बेस्ड अगर रिसर्च है तो उसको स्पॉन्सर किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए. और फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी मेड अवेलेबल टू द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज जो विश्वविद्यालय हैं उनको आप सहायता दीजिए. और भी हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, नॉन गवर्नमेंट है, उन रिसर्च यूनिट्स है, सबको आप इस तरीके के रिसर्च के लिए प्रमोट कीजिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए जो स्पेशल एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन और मैन पावर डेवलपमेंट पर हो रही है. और सोशल सिक्योरिटी, आप उनको सामाजिक सुरक्षा दीजिए. कैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओस फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो एनजीओ काम कर रहे हैं इनके लिए उनको आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए. इंश्योरेंस कवरेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दीजिए अगर वो नहीं एम्प्लॉयमेंट में है तो, है ना. इस तरह से आप उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं. और ग्रीवियंस रिड्रेसल, उनको कोई दिक्कत है तो वो कहाँ बता सकते हैं. इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ राइट्स एज डिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, पीपल विद डिसेबिलिटीज मे मूव एन एप्लीकेशन टू, मतलब इतना लिखा गया है कि गवर्नमेंट 3% आरक्षण देगी, ऐसा करेगी ऐसा करेगी, तो इसमें अगर आप देखते हैं कि कहीं भी कुछ राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द सेंटर को एप्लीकेशन लिख सकते हैं या कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द स्टेट्स को अपनी एप्लीकेशन मूव करा सकते हैं. ठीक है, तो ये तो पूरी बात हुई पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की. तो एक ये बड़ा लैंडमार्क रहा इंटीग्रेटेड एजुकेशन के क्षेत्र में. लेकिन अब एक नया भी आ गया है. क्या आ गया है, आफ्टर इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द यूएनसीआरपीडी. यूएनसीआरपीडी क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट इन 2007, द प्रोसेस ऑफ इनएक्टिंग ए न्यू लेजिस्लेशन इन प्लेस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 बिगिन इन 2010 टू मेक इट कम्प्लायंट विद यूएनसीआरपीडी. मतलब चूंकि इंडिया ने यूएनसीआरपीडी पे साइन किया तो जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था वो 2010 में नया रूप ले लेता है. और करता क्या है, बनता क्या है, आफ्टर सीरीज ऑफ कंसल्टेशन मीटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग प्रोसेस, बहुत सारी मीटिंग होती है, ड्राफ्ट किया जाता है, फिर बनता है कौन सा एक्ट, राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016. यानी कि ये किस नाम से जाना जा रहा है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के नाम से जाना जा रहा है, जो कि सदन के दोनों हाउसेस से पास हो चुका है. ये कब आया, इट वॉज नोटिफाइड ऑन दिसंबर 28, 2016, 28 दिसंबर 2016 को आया है प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद. और इसमें क्या कहा गया, ये कह रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन. यानी कि आप उसको डिग्निफाइड तरीके से अपनाइए, उसके पास उसको ऑटोनॉमी दीजिए, वो अपनी चॉइसेस खुद चुन सके. द एक्ट लेड स्ट्रेस ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आप उनके संग कोई भी भेद मत कीजिए. फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन उनको लेने दीजिए, उनको इंक्लूजन फील कराइए सोसाइटी में. रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो उसका सम्मान होना चाहिए. एंड
एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटीज एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी, है ना, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, उनकी पहुंच हो, इक्वेलिटी हो मैन और वुमेन के बीच में, रेस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अगर बच्चा कोई विसंगति से ग्रसित है उसके बावजूद उसने कुछ क्षमता है तो उसकी उसका सम्मान होना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके चल रहे हैं इसके लिए भी उनका सम्मान होना चाहिए. तो ये सारे एरियाज हैं जिन पर ये एक्ट स्ट्रेस आउट करता है, बल देता है. द प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन थिंकिंग अबाउट डिसेबिलिटी फ्रॉम अ सोशल वेलफेयर कंसर्न टू अ ह्यूमन राइट्स इशू. तो आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था वो सोशल वेलफेयर के उसमें जो पॉलिसी में अप्रोच थी, और यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स इश्यू आ गया, ये मतलब ह्यूमन है तो उसको राइट मिलना चाहिए सारे. और क्या कहा गया इसमें, इन दी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 द लिस्ट हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 7 टू 21 कंडीशंस. उसमें था ना कि सात तरीके की दशाएं हैं, यहाँ पे 21 दशाएं ले ली गई. कौन कौन? सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, कोई बौना है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसको कोई दिक्कत है, एसिड अटैक विक्टिम को भी ले लिया गया है. देखिए, हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में दिक्कत है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ उसके पास है, वो ऑटिज्म से ग्रसित है, क्रोनोलॉजिकल क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मतलब सब कुछ इन्होंने इंक्लूड कर दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है. और ये क्या कहता है, द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 प्रोवाइड्स दैट the appropriate government shall ensure that the PWD enjoy, यानी कि persons with disability जो है वो enjoy करें, वो खुशी खुशी, उनको खुशी मिले, मतलब कि right to equality, उनको equality provide की जाए, वो dignity, dignified life जी सकें, and respect for his or her own integrity equally with others, मतलब कि और broad और wider और humane aspects आ गया है जो RPWD है, Rights of Persons with Disabilities Act 2016, ठीक है. तो पहले था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और अब ये 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बन गया है. तो ये है इसका पूरा लेखा जोखा और ये क्या काम करता है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या इसके इश्यूज हैं, किस पे स्ट्रेस आउट करता है. तो इस तरह से आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट कंप्लीट. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. इट इज डन फ्रॉम माय साइड.